हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। एक जेईई एग्जाम दे रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से जरूर है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो इंजीनियरिंग वाला एनवायरमेंट पाया जाता है, बिकॉज आज की इंजीनियरिंग एक एक्सपोजर पर डिपेंड करती है। हेलो जेईई एस्पिरेंट्स, तो यार आप जेईई 2024 का जनवरी सेशन देने वाले हो, कुछ दिनों का भी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वीक ऑफ जैन एट्समिन की 25 जनवरी के बाद से आपके इसके एग्जाम स्टार्ट हैं, और आपने इसका लगभग दो साल से इंतजार तो किया ही किया होगा भाई, 11th और 12th। और आपका मकसद एक क्लियर होगा कि भाई मुझे एक हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज एक बहुत टॉप रेनाउंड रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हो सकता है। वो हो सकता है बिट्स पिलानी, वो हो सकता है VIT वेल्लोर, वो हो सकता है मणिपाल, हो सकता है थापर यूनिवर्सिटी, हो सकता है कोई भी IITs, कोई भी NITs, हो सकता है कोई भी IIITs हो सकता है। तो अगर आप एक जेईई एग्जाम दे रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट एक सभी आप सभी से जरूर है कि आप इसके साथ साथ कुछ आप एप्लीकेशन फॉर्म और अप्लाई करें, जो कि बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है। यहाँ के एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रांग है। आप मणिपाल का देखो यार, सत्या नडेला है ना, वहीं से पास आउट है ना, जैसे कि राजीव सूरी यादव है ना, तो ये भी नोकिया कंपनी के CEO रह चुके हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा एलुमनाई बेस है इन इंस्टीट्यूट्स का। कॉमेडी के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं, RB कॉलेज हो, MS रमैया हो, पेस्ट यूनिवर्सिटी हो, पेस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, तो ये एक रेनाउंड रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसके अंदर आप अगर एडमिशन ले लेते हो तो आपका एक मकसद यार सॉल्व हो जाता है एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आज की इंजीनियरिंग एक एक्सपोजर पर डिपेंड करती है। आपकी आज की इंजीनियरिंग वो वाली नहीं है कि आपने अगर किसी भी एक सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली तो आपका काम बन जाएगा, बिकॉज आपका डिग्री के बीच में गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया है। अगर कोई भी चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है तो वो आपकी स्किल्स हैं, वो आपका एक नॉलेज है, वो आपकी एक लर्निंग है, जो इस इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। तो यार मैं पिछले 7 सालों से अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, और मैंने खुद भी इंजीनियरिंग कर रखी है और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो इंजीनियरिंग वाला एनवायरमेंट पाया जाता है। तो इनका फॉर्म जरूर फिल करें, बिकॉज जैसे ही आपके वो ये एग्जाम होंगे जनवरी वाले, तो बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे है ना, मतलब लास्ट डेट होगी, और बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स भी निकल जाती हैं। तो आपको क्या करना है, कॉमेट का, VIT का, SRM का, बिट्स पिलानी का, थापर यूनिवर्सिटी का, JP का, और जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको लग रहा है बढ़िया हैं और उनके फॉर्म अप्लाई करने चाहिए, मेरी टीम से डिस्कस करो यार, फॉर्म में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। आप अपनी प्रोफाइलिंग मेरी टीम से चेक कराओ, मेरी टीम आपको बताएगी कौन से कॉलेज की आपको फॉर्म फिल करने चाहिए, आपका यह प्रोफाइलिंग किस लेवल का है ना। तो मैंने अपनी लाइफ में 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को गाइड किया हुआ यार, तो आप अपकमिंग नेक्स्ट हो, तो यार जो छोटे भाई या बहन है मेरे है ना, तो ऑल द बेस्ट यार, आप आओ मेरे साथ, गाइडेंस का एक मौका मुझे दो, मैं आपको गाइड करूंगा और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज तक जरूर पहुंचाऊंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर, बाय बाय।